मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, भिंडी की सब्जी, थोड़ा हट के बना रही हूँ, भुजिया नहीं बना रही हूँ, मसाले वाली ही बना रही हूँ, बट हाँ ग्रेवी थोड़ी कम रहेगी। तो उसके लिए मैंने भिंडी को ना सबसे पहले तो उसको वॉश कर लिया है, दोनों साइड से कट कर दिया है। उसके बाद से बीच से जो भिंडी बड़ी है उसको बीच से काटा है, एंड जो छोटी है उसको मैंने सिंगल बड़ा ही रहने दिया। उसके बाद से बीच में मैंने चीड़ा भी लगा दिया और मसालों की मैंने तैयारी कर ली। आपने देखा कि जैसे एक छोटा अनियन एंड मिर्ची और लहसुन, ये चीज़ें मैंने उसको ग्राइंड कर ली है। और सबसे पहले तो भिंडी को जब मैंने इसे कट किया तो इसको ऑयल में फ्राई कर देंगे, पूरा अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना क्रिस्पी सा हो गया है ना। और इसको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि थोड़ी सी लसलसी भी हो जाती है ना, कभी कभार ऐसा होता है। तो यहाँ पर मेरी भिंडी फ्राई हो गई है और मसाला जो मैंने यहाँ पे है वो उसको ग्राइंड कर ले रही हूँ सबसे पहले। और ग्राइंड जब तक भिंडी पक रही है तब तक ये ग्राइंड भी हो गया और इसको मैंने अलग निकाल लिया, देखिए कैसे। और उसके बाद से जो मसाले मैंने तैयार किए हैं वो मसाले मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो नमक होता है वो डाला है, हल्दी डाला है, एंड थोड़ा सा सब्जी मसाला या चिकन मसाला, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, प्लस जीरा मिर्च ऐड कर दिया है। और यहाँ पे पकने दिया ढेर सारा मसालों को, काफ़ी देर तक पकने दिया। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के ना उसको अच्छे से पकने दिया और फिर अभी भिंडी की डालने की बारी है। तो ऑलरेडी हमारा जो भिंडी है वो मतलब फ्राई हो चुका है अच्छे से, और जब यहाँ पर हम डालेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर भी इसको हम लोग 2-3 मिनट के लिए ना ऐसे ही भुनने देंगे। और ये मसाला है जो थोड़ा हल्का हल्का ऐसे ही रहेगा, लसलसा सा रहेगा, और बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो हमारी भिंडी जो है उसकी जो अंदर की बीज होते हैं वो बाहर आने लगेंगे, तो फिर टेस्ट का मज़ा नहीं आता है। तो ऐसे करके ना यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया, थोड़ी सी इसको ढका है मैंने, बट खुला हुआ ढका है, और उसको चावल दाल के साथ परोसेंगे, काफ़ी टेस्टी लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने चावल दाल बनाया है, चावल दाल, भिंडी की सब्जी, एंड यहाँ पे थोड़ा सा कुड़कुड़ वाला जो होता है ना पापड़ तिलौड़ी वो है। तो अभी चलिए हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए फ़िलहाल। पूरा हेयर कट हो जा रहा है परी का, पूरा ही कर दिए। सी दिस इज हेयर, नीचे नहीं गिराओ, नीचे नहीं गिराओ, देखो कितना बड़ा परी, पूरा नीचे गिर गया। तो इतना ज्यादा इसका हेयर कट हुआ है, दिखाइए तो जाए, इतना आपका भी कट कर लिए, देखो। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना तो यहाँ पे लुक काफ़ी सा चेंज लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने बस घर में जो चीज़ें थी ना आप देख रहे हैं कि क्लिप की हेल्प से मैंने कर दिए, तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ एक बार जब बाहर कटा लिया है तो नेक्स्ट टाइम हम खुद से भी थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है, तो आप घर पे भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपके पास हेयर क्लिप हो, जैसे हमारे क्लचर्स होते हैं वो भी लगा के हम कर सकते हैं, पीछे के साइड में आगे के बाल जो होते हैं वो वहाँ दबा के ऐसे कर सकते हैं। पीछे का तो बड़ा ही रहेगा ना परी, ऊपर देखे थे परी, इसको पीछे से छोटा नहीं करना है, इसको पीछे से बड़ा ही रखना है। तो गाइज यहाँ पे परी का जो हेयर कट था मैंने कर दिया है, और देखिए पीछे से दिखाना, हाँ तो अच्छे से हेयर कट हुआ है इसका। आज ना परी का लुक चेंज हो गया है बिल्कुल भी, और इसका पहले वैसे ही था, बट ये ना थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा यहाँ फेस तक आ गया था, और पीछे का भी लुक चेंज हो गया है, और परी बहुत अच्छी लग रही है। स्कूल जाने के लिए ना इसको पूरा हेयर कॉम के लिए टाइम लग रहा था, और वैसे भी अभी छोटी है तो इसी टाइप का हेयर कट जो है ना वो अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इस टाइप का हेयर कट रहे, एंड आगे से छोटे छोटे रहें, पीछे से थोड़े लंबे रहें, और बैंड जो है हेयर बैंड जो होता है वो नेसेसरी है स्कूल में, तो उस हिसाब से मतलब उसको देखते हुए ना ये वाला हेयर कट ठीक लगता है। अदरवाइज़ बैंड नहीं रहे तो दो चुटिया या फिर जैसे भी हो करके जा सकते हैं। अभी तो मेरा काम वाम सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ना मुझे वीडियो शूट करना था, और मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो वर्क ही नहीं कर रहा है, इसका जो ऊपर का पिन होता है वो निकल गया है कुछ इस तरीके से, देखिए ये वाला, ये पूरा ना हल्का फुल्का मतलब लग रहा था पहले से, जैसे ना एक दो बार वो मेरा फ़ोन गिर चुका है, लेकिन अभी वर्क ही नहीं कर रहा, मैं कैसे करूँगी समझ नहीं आ रहा है मुझे, देखती हूँ कुछ जुगाड़ करती हूँ, क्योंकि जुगाड़ पहले मैं जब शुरू की थी यूट्यूब तो जुगाड़ से ही बहुत कुछ करती थी उस टाइम पे भी, तो देखते हैं वो मैं कैसे करती हूँ। अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और परी का मैंने हेयर कट भी कर दिया है, तो क्योंकि थोड़े थोड़े करने थे मुझे, थोड़े थोड़े उसको ट्रिम करने थे, और वो जाने से घबरा रही थी बाहर में, तो रीज़न यही था कि मैंने घर में किया, और मैं अच्छे से कर भी लेती हूँ, वो वाला जो कट है ना
वो मैं कट कर लेती हूँ। और पहले, बहुत पहले, मैं थोड़ा बहुत जो होता है ना, मतलब ब्यूटिशियन वाला चीज़, जैसे थ्रेडिंग वो सब, तो वो सब मुझे आता था पहले से, तो इसलिए मैं कर देती हूँ। अदरवाइज जिसको नहीं आता बिल्कुल भी, जिसने कभी नहीं किया हो, वो डरेगा, वो नहीं कर पाएगा। मैं थ्रेडिंग वगैरह किसी का भी कर लेती हूँ, वो भी हो जाता है मुझसे, और बहुत सारी चीज़ें, फेशियल वगैरह भी। लेकिन हाँ, अब नहीं होता है, करने का मन भी नहीं होता है, काम ही इतना है, ये सारी चीज़ें। प्रिंस यहाँ बैठ के ना फ़ोन देख रहे हैं। मैंने भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं भी बिज़ी थी, मेरा जो वर्क नहीं कर रहा ट्राईपोड ना, तो उसमें मैं बिज़ी थी उसको ठीक करने में। अब सोच रही हूँ मैं दूसरा खरीदूँ अभी, या फिर क्या करूँ। अभी तो लूँगी भी, तो मैं 2-4 दिन के बाद ही तो आएगा ना, देखती हूँ क्या करना है मुझे। और गाइज, हाँ, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। फेस्टिवल के साथ साथ, शुरुआत के साथ साथ ना, हमारे यहाँ पे शादियों का भी सीज़न आ गया है, शादियों की भी शुरुआत हो गई है। मैंने कुछ छोटी मोटी ना अच्छी सी शॉपिंग की है, तो चलिए आप लोगों को वो शॉपिंग मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने ऐसा क्या बाय किया है, और ट्राई करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को। जो ट्राई करने वाला होगा ट्राई करके दिखाऊंगी। और चलिए, टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं। गाइज, मैंने की है ढेर सारी शॉपिंग, तो ये रही मेरी शॉपिंग। और ये सारी शॉपिंग मेरी अमेजोन से मैंने की है। मोस्टली मैं अमेजोन से खरीदती हूँ, क्योंकि होता है ना कि जब हम लेने लगते हैं और हमें चीज़ें अच्छी मिलने लगती है, तो हम वैसे ही करते हैं। तो चलिए, पहली वाली बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका मैं वेट कर रही थी। तो आप ये मत समझिएगा ये सिंगल है, इसमें 5-6 चीज़ें हैं कॉम्बो में। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है पर्स, जो कि टोट बैग जो होता है, ऑफिस बैग वो है, और ये लेदर का है। लेकिन लेदर का है, लेकिन ये ना बहुत ही मुझे ऑफर डिगर प्राइस में मिला है, जिसकी वजह से मैंने ये लिया है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि हमें मिल जाता है ये वाला बैग, ये डबल हैंडल है, एंड अगर आप चाहें तो इसको छोड़ के सिंगल हैंडल वो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत अच्छा है ये। और ये आपको दिखा रही हूँ कि लेदर का कलर का, इसमें ब्लैक भी था, ये भी कलर था, दो कलर थे। और इसमें हमें मिलता है 5 का कॉम्बो। तो एक हमारा तो ये वाला हो गया, इसमें स्पेस देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। लेकिन हाँ, इसमें जो चेन है ना वो सिंगल वाला है, लेकिन हाँ इधर हमें चेन मिल जाएगा, अंदर के साइड में एक मिल जाएगा। तो ये हो गया। एंड सेकेंड वन, इसमें कॉम्बो में 5 मैंने बताया आपको, तो एक वो था, एक सेकेंड वन ये था, जो कि स्लिंग बैग आता है ना, वो ये स्लिंग बैग है। और इसका भी जो है ना कुछ इस तरीके से है, इसमें चेन भी है। बस इसमें ये चीज़ है ना कि मैं पहले बता दूँ कि इसका कंपार्टमेंट जो होता है ना, बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, बट कंपार्टमेंट हमें एक मिलेगा, तो उस तरीके से है। तो ये हम कहीं जा रहे हैं, या फिर हमें ज़्यादा चीज़ें लेके जानी है ऑफिस के लिए, हम यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा है ये। और इसके साथ हमें एक स्लिंग बैग मिलता है, एंड इसके साथ थर्ड वन हमें मिलता है ये वाला बैग, जो कि हम हैंड पर्स के जैसा यूज़ करते हैं, कहीं हमें जाना हो या फिर हमें कैरी करना हो अपना फ़ोन वगैरह या फिर पैसे वगैरह, तो वो कैरी करना हो। तो ये हो गया, ये 3 हो गया, एंड 2 और हमें इसमें मिले हुए हैं। तो ये दोनों जो हैं इससे छोटे हैं। तो ये हो गया हमारा, ये भी हमारा जो होता है ना हैंडबैग के तरीके का है। तो इसमें हमें मिल जाता है ऐसे पाउच टाइप का हमें मिलता है, एंड इसमें कंपार्टमेंट जो है अंदर में एक ही है, लेकिन बाहर में भी एक है, लेकिन हाँ इसमें मतलब ऐसे है कुछ इस तरीके से है ये। तो ये हमें हो जाता है इस तरीके से हैंडबैग। तो ये हो गया 4, एंड 5वां जो है वो काफ़ी छोटा मिलता है, जो कि हमारे जो पर्स होता है ना, पॉकेट पर्स उस टाइप का है। लेकिन ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि जब हम बड़ा पर्स लेके जाते हैं, हमें कुछ चीज़ें जो है वो रखनी होती है, तो हम रख के कैरी करके, जैसे ATM हो गया, फिर हमें पैसे हो गए हमारे, वो हम इसमें कैरी कर सकते हैं। तो इसको आप लोग जाके ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और अफोर्डेबल इतना है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि मतलब अगर हम एक लेंगे ना तो 100 रुपये से भी कम में मिलेगा हमें। तो आप सोच सकते हैं कि कितने का होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ना लिंक पे चेकआउट कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। एंड सेकंड वन ये मैंने मंगवाया है कॉर्ड सूट, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन प्लस फिटिंग भी अच्छी है इसकी। तो यहाँ पे ये वाला मैंने कॉर्ड सूट मंगवाया हुआ है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपकी फोटो या वीडियो में यहाँ पे लगा दे रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि पहनने के बाद कितना अच्छा लुक आ रहा है। ब्लैक एंड वाइट कर रही हूँ, ब्लैक एंड रेड में कॉम्बिनेशन में है। तो ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, कम्फर्टेबल भी है, बहुत अच्छे तरीके से कम्फर्टेबल है। इसका जो नीचे का है पैंट वो भी बहुत अच्छा कम्फर्टेबल है, एंड ऊपर का भी बहुत कम्फर्टेबल है। तो ये कॉर्ड सूट काफ़ी अच्छा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसको भी डेफिनेटली। एंड थर्ड वन जो चीज़ मैंने मंगवाई है, ये कुछ पूजा के आइटम मैंने मंगवाए हैं उस टाइप के। तो ये मैंने जो लोटा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो लोटा ही बोलते हैं, तो ये मैंने लोटियाँ मंगवाई हुई है। तो
तो कुछ इस तरीके से है ये, काफ़ी अच्छी रिसीव हुई है मुझे। मुझे डर था इस चीज़ का, मुझे डर था पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी मंगवाया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ये बाई किया है। तो मुझे डेफिनेटली अच्छा मिला है, तो मैं खुश हूँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान थी, ऑर्डर करने के बाद परेशान थी कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो ये हो गए, एंड फोर्थ वन मैंने मंगवाया है, ये कुछ अंडर गारमेंट्स हैं, तो ये मैंने मंगवाया है। तो ये हो गया, तो ये मैंने मंगवाया है, तो ये हो गया मेरा शॉपिंग। तो फिलहाल के लिए मैंने इतनी शॉपिंग की है, नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड आप लोगों को लिंक चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ों के मैंने लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे माई अमेजोन हॉल होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे, अमेजोन पे, और वहाँ पे सारी शॉपिंग जो है वो मेरी देख सकते हैं आप, पीछे की भी शॉपिंग देख पाएंगे, एंड जो अभी का जो है ना लेटेस्ट प्राइस भी आप देख पाएंगे। तो जाइए फटाफट से चेकआउट कीजिए। फिलहाल अभी यहाँ पे मैंने चने भिगो दिए हैं, क्योंकि चना फुला रहता है ना, तो कभी कभार हम लोग चूड़ा के साथ भी फ्राई करके खा लेते हैं, और ऐसे भी तो अभी था नहीं। और अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए हलवा, ये रागी है जो अपने यहाँ मड़ुआ बोला जाता है, तो यहाँ पे मैं रागी का हलवा बना रही हूँ। घी डाला मैंने, उसके बाद से रागी को डाल कर अच्छे से फ्राई करूँगी। और मेन बात ये है ना कि मेरे घर में मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं बचपन से ही रागी पसंद करती हूँ, मतलब हलवा सबसे ज़्यादा, और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो दोनों भी हलवा जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं बनाती हूँ अक्सर। पहले काफ़ी ज़्यादा बनाया करती थी, जब बाबू बहुत छोटा था ना, तो होता है ना कि थोड़ा ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बनाया करती थी। बट हाँ, अब कभी कभी बनता है, थोड़ा थोड़ा बनता है, और हफ्ते दो हफ्ते पर बनता है, अभी ऐसा हो गया है। तो चलिए गाइज़, ये वीडियो भी यहीं पर एंड करती हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।